Good morning, students. So today I'm going to tell you about antonyms using prefix. First of all, tell me what is antonym. Antonym means होता है बेटा उल्टा, किसी चीज़ का विरोधी शब्द, किसी चीज़ का विलोम, ठीक है. और प्रीफिक्स क्या होता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो. प्रीफिक्स क्या होता है? अ प्रीफिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. प्रीफिक्स एक लेटर्स का ग्रुप होता है एडेड बिफोर अ वर्ड, जो कि एक वर्ड के आगे लगाया जाता है टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, जिससे उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक इज अ वर्ड, तो इसके आगे मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड लगा दिया. लाइक मैंने क्या है, पसंद है, तो इसके आगे मैंने लगा दिया डिस. डिस को प्रीफिक्स कहते हैं. डिस के किसके आगे लगाया, लाइक के आगे, तो ये बन गया डिसलाइक. लाइक इसका उल्टा, हमने इसके आगे प्रीफिक्स लगाया, कुछ वर्ड्स लगाए, तो ये बन गया डिसलाइक, ठीक है. सेम हेयर, लॉयल इज अ वर्ड, उसके आगे हमने डिस लगा दिया तो डिसलॉयल. मूवेबल इज अ वर्ड, इसके आगे हमने इम लगा दिया प्रीफिक्स, तो इमूवेबल. नेसेसरी अन प्रीफिक्स लगाने से बन गया अननेसेसरी, मतलब उसका उल्टा बन जाता है. लाइक पसंद है, डिसलाइक नहीं पसंद है. समझ आ गया? तो ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, डिस, इम, अन, इनको प्रीफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स क्या होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है. ए बी सी डी जो हैं आपके, कुछ लेटर्स होंगे 2, 3, 4, उनको अगर किसी वर्ड के आगे लगाएं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है प्रीफिक्स लगाने से. ऐड द प्रीफिक्स, अब नीचे क्वेश्चन है कि आपको इन प्रीफिक्स को ऐड करना है. अन, इम, इन, डिस लगा के, ये प्रीफिक्स है अन, इम, इन और डिस, ये लगा के आपको एंटोनियम्स बनाने. एंटोनियम मैंने ऑपोजिट वर्ड बनाने, उल्टे शब्द बनाने हैं. कॉन्टिन्यू, इसके आगे हमने डिस लगाया तो डिसकॉन्टिन्यू, ठीक है. एक्यूरेट, इनएक्यूरेट. ओबे, डिसओबे. क्वालिफाई, डिसक्वालिफाई. कंप्लीट, इनकम्प्लीट. कॉन्शियस, अनकॉन्शियस. पेशेंट, इम्पेशेंट. अवेलेबल, अनअवेलेबल. क्लियर? इन सेकेंड क्वेश्चन, ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो हैज अ प्रीफिक्स. नीचे सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्रीफिक्स कुछ लगा के वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको प्रीफिक्स अलग करना है उसमें से और एंटोनियम अलग करना है. एक हमको करके दिखाया है, वर्ड है डिसऑर्डर, तो इसके आगे प्रीफिक्स क्या लगाया है, डिस. प्रीफिक्स क्या है, डिस, और वर्ड क्या है, ऑर्डर. एंटोनियम, प्रीफिक्स और एंटोनियम, ऑर्डर के आगे डिस लगाने से बन गया ये एंटोनियम, डिसऑर्डर. क्लियर? अभी नेक्स्ट वर्ड है इमोबाइल, तो इम प्रीफिक्स है और मोबाइल वर्ड है. मोबाइल के आगे इम लगाने से बन गया इमोबाइल, एंटोनियम, ठीक है. इम्पोलाइट, इम जहाँ पे प्रीफिक्स है और पोलाइट वर्ड है. इन प्रीफिक्स है और विजिबल वर्ड है. डिसएग्री, डिस यहाँ पे प्रीफिक्स है और एग्री वर्ड है. अनफेयर, अन यहाँ पे प्रीफिक्स है और फेयर वर्ड है. तो डिसऑर्डर एंटोनियम हो गया, इमोबाइल एंटोनियम, इम्पोलाइट, इनविजिबल, डिसएग्री, अनफेयर, ये सारे आपके एंटोनियम हैं. क्लियर? और एंटोनियम इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, डिसऑर्डर का एंटोनियम उल्टा ऑर्डर, इमोबाइल का एंटोनियम मोबाइल, इम्पोलाइट का एंटोनियम पोलाइट, इनविजिबल का एंटोनियम विजिबल, डिसएग्री का एग्री, अनफेयर का फेयर, उल्टा बन गया, ठीक है.
कुछ वर्ड्स नहीं है बेटा यहाँ पे, देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, नीचे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हिज मदर वॉज एंग्री बिकॉज हिज रूम वॉज वेरी क्लीन, का क्या हो जाएगा अनक्लीन, एंटोनियम फिल करना है ना अनक्लीन। टिम वॉज वेरी डैश इन द हॉस्पिटल, कावर्डली का उल्टा, कावर्ड का उल्टा करेज होता है करेजियसली, ठीक है। द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट का ईजी। द स्टोरी ऑफ द बिग बैड वॉल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग। द विक्ट विच वॉज डैश टू एवरी वन, यहाँ पर काइंड है तो काइंड का एंटोनियम अनकाइंड। कुड यू प्लीज डैश द विंडो, शट दिया है तो शट का ऑपोजिट ओपन। आई विल डैश द येलो लैम्प, रिपेयर का अनरिपेयर। द टीचर डैश हिम फॉर बीइंग टॉकेटिव, रिवार्डेड अनरिवार्डेड। वी विल ऑल सेलिब्रेट द डैश, डिफीट का क्या होता है एंटोनियम विक्ट्री। इट्स गेटिंग डार्क, इट इज डैश इन द डे, अर्ली का ऑपोजिट, अर्ली का ऑपोजिट लेट, ओके। अभी चिक द करेक्ट एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग, नीचे इसका एंटोनियम फाइंड करना है। द वर्ड इज एनर्मस, एनर्मस का मतलब होता है बिग, ह्यूज, इसका उल्टा क्या होगा सॉफ्ट, टाइनी के वीक, टाइनी बिग का छोटा, स्मॉल होता है, टाइनी मैंने स्मॉल छोटा। आर्टिफिशियल का ऑपोजिट नेचुरल, एक्सपेंड फैलना, कंडेंस सिकुड़ना। मॉर्टल का इमॉर्टल, इनोसेंट का गिल्टी, वॉइस का फुलिश, बिजी रिलैक्स्ड, क्लियर। नेक्स्ट है आपका सिनोनियम, सिनोनियम मतलब होता है सेम मीनिंग। टू और मोर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनियम्स, दो या दो से ज़्यादा शब्द जिनका सेम मीनिंग हो, सेम मीनिंग, उसको सिनोनियम कहते हैं। नीचे कुछ आपको सेट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सर्कल करना है सिनोनियम। रन, रन का सिनोनियम, सॉरी, फॉर ईच सेट ऑफ वर्ड सर्कल द वर्ड दैट इज नॉट अ सिनोनियम, जो सिनोनियम नहीं है। रन मैंने भी भागना होता है, गैलप मैंने, जॉग मैंने, सबका मीनिंग भागने से होता है। स्टैंड, स्टैंड मैंने खड़ा होना, तो ये इसका सिनोनियम नहीं है, सर्कल करो। टायर्ड मैंने थक जाना, फटीग मैंने भी, स्लीपी मैंने भी, एक्टिव नहीं है, इसको सर्कल करें। गार्बेज मैंने होता है कूड़ा, रबिश मैंने भी, वेस्ट मैंने भी, सैंड नहीं है, इसे सर्कल करो। शाउट मैंने चिल्लाना, यल मैंने भी चिल्लाना, स्क्रीम मैंने भी चिल्लाना, स्पीच मैंने बोलना होता है, इसे सर्कल करो। एंग्री मैंने गुस्सा, फ्यूरियस मैंने भी गुस्सा, एनॉयड मैंने भी गुस्सा, सैड मैंने दुख होता है, इसे सर्कल करो। स्ट्रीट मैंने गली, रोड, लेन मैंने भी गली, रोड भी, पार्क नहीं है, इसे सर्कल करो। क्लियर, समझ आया बेटा आपको? अभी नीचे आपको एक पजल दी हुई है, आपको क्या करना है, इसके सिनोनियम, ऊपर वर्ड्स दिए हैं, इसके सिनोनियम ढूंढने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हैप्पी, 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 जी एल ए डी, ग्लैड, ग्लैड मैंने भी हैप्पी होता है, ये इसका सिनोनियम है, ठीक है। मैड, एम ए डी, मैड, क्रेजी, मैड मैंने पागल, क्रेजी मैंने भी पागल, सी आर ए जेड वाई, क्रेजी। रिलैक्स, आराम, थर्ड वन, आराम करना, आर ई एस टी, रेस्ट मैंने भी आराम करना, सिमिलर मीनिंग। स्लीप मैने सोना, एन ए पी नैप, नैप मैने भी सोना होता है, शॉर्ट स्लीप, एन ए पी नैप, शॉर्ट स्लीप। क्राई, रोना, रोना क्या होगा इसका सिमिलर मीनिंग, यस, वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप, वीप मैने भी रोना। लाफ, हंसना, हंसना का सिमिलर मीनिंग ढूंढो क्या है, नंबर सिक्स, गिग्गल, ठीक है, गिग्गल, जी आई डबल जी एल ई, गिग्गल, लाफ। एंड द नेक्स्ट वन इज जंप,
जंप करना तो पता ही है सबको, कूदना हॉप माने भी कूदना होता है, फुदकना होता है। ओके, एट नंबर ब्यूटीफुल, PRETTY, प्रिटी। नंबर एट, प्रिटी माने भी सुंदर, ब्यूटीफुल माने भी सुंदर। ओके, सिनोनियम सेम मीनिंग है। देखो अभी यहां पर भी हमको राइट द सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर्स। अब इसमें कुछ लेटर्स मिस किए हैं, सिनोनियम करना है। बिग, LARGE, ओ यहाँ पे ह्यूज नहीं होगा बेटे, यहाँ पे होगा लार्ज, LARGE लार्ज, क्योंकि यहाँ पे L लगा हुआ था ना आगे, LARGE लार्ज। बिग माने भी बड़ा, लार्ज माने भी बड़ा। ग्राउल, ग्राउल का हाउल। सिक, इल, क्विक, फास्ट, कोल्ड, फ्रोजन, येल, शाउट, प्रिटी, ब्यूटिफुल, ग्लैड, हैप्पी। ओके, ये कुछ फिलअप्स थे, हमने इसको सिनोनियम में फिल किया। यहाँ पर ये मिस्टेक थी, ह्यूज नहीं करना है आपको, ये मैं क्लियर कर दूंगी बाद में। अभी बिग का लार्ज लिखना है आपने। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर एट, टिक द करेक्ट सिनोनियम। द मैन वॉज अपसेट दैट ही डिडंट फिनिश द रेस, एम्बैरेस्ड यहाँ पर यूज होगा। हर पेरेंट्स सीम वेल्दी बिकॉज दे लिव इन अ बिग मैंजन, रिच, बड़े से मैंजन में रहते हैं, बड़ी बिल्डिंग में, घर में, महल में रहते हैं, रिच हैं वो। द मनी वॉज सिक्योर इन द बैंक, सेफ। शी वॉज कॉर्टियस टू द मैन हु ब्रॉट हर अ गिफ्ट, पोलाइट। ही वॉज गोइंग टू गिव अ स्पीच एट असेंबली, एट द असेंबली, पार्टी, कार्निवल, यहाँ पे मीटिंग नहीं होगा बेटा, जी मिस है, यहाँ पे लगा देना मीटिंग, मीटिंग इज द राइट आंसर। सो इन दिस चैप्टर ऑफ वोकैबुलरी यू विल डू ओनली एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। ओके, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक एंटोनियम्स यूजिंग प्रीफिक्स एंड द सिनोनियम्स ऑफ सम वर्ड्स। सो टुडेज योर होमवर्क इज टू लर्न दिस सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स बाय हार्ट एंड राइट डाउन ऑन योर notebook, and I'll send PDF. In this way you can complete your the exercise given in this chapter. Till then, goodbye.